फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि चर्चाएं हर कोई करता रहता है, जब ज़्यादा हो जाती है तो हर जगह वायरल होने लगती है, क्योंकि काफ़ी पुराना शो है और लगातार जो है टॉप 5 में बना रहता है। ऐसे में आप जनरेशन 4 देख रहे हैं और 4 में आप रोहित को देख रहे हैं, अरमान का रोल करते हुए। आज उनका बर्थडे है, बधाई हो, विश यू मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे रोहित प्रोहित जी। ऐसे में जो है इससे पहले भी कई शो में काम कर चुके हैं, उनके लुक को लेकर हर कोई दीवाना हो जाता है। ऐसे में जो है आज सोशल मीडिया में कुछ ज़्यादा छाए हुए हैं। ऐसे में जो उनकी वाइफ है शीना बजाज, जो हैं काफ़ी गॉर्जियस हैं, इन दिनों आपको वंशज जैसे शो में नज़र आ रही हैं, जो कि मतलब कह सकते हैं कि एक सपोर्टिंग रोल में कभी कभी नज़र आ जाती है। अब ऐसे में हम बात करते हैं कि उनकी वाइफ से कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लिया गया था, पूछा गया था कि आपका जब हस्बैंड सेट पर जाते हैं तो जो है ये रिश्ता में काम कर रहे हैं और तो कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा अच्छा लग रहा है और समृद्धि और जो गर्विता है वो काफ़ी सुलझी हुई हैं और काफ़ी प्यारी हैं। और जो है उन्होंने बताया कि हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, 2019 में जयपुर में शादी हुई थी और हम काफ़ी खुश हैं। ऐसे में जो है कहा कि हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जो है बर्थडे भी एक नए अंदाज में जो है उनकी वाइफ ने उन्हें विश किया। ऐसे में जो है उस पहले इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बस थोड़ा सा मैं परेशान हो जाती हूँ कि जब मैं जो है ट्विटर या सोशल मीडिया देखती हूँ कि कई लोग गालियाँ देते हैं या फिर ट्रोल करते हैं या बायकॉट करते हैं, थोड़ा सा जब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, जब थोड़ी सी अजीब सी घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि जिससे आप ज़्यादा प्यार करते हैं उसके बारे में ऐसा फिर लगता है कि यार ये तो उनके किरदार को कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है काफ़ी उन्होंने मीडिया के सामने ये रिश्ता को लेकर भी बातें की, अपने हस्बैंड के बारे में भी, रोहित प्रोहित यानी कि अरमान के बारे में भी बातें की, यहाँ तक कि उन्होंने सेट के काफ़ी पर्सन के बारे में भी बातें की। ऐसा लग रहा था जैसे वो सेट पर गई भी है और काफ़ी से उन्होंने बातें चीतें भी की हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर में क्या वाकई ही अरमान और अबीरा की शादी जो है प्रोड्यूसर दिखाएंगे, या फिर ये न्यूज़ फेक है, या फिर रूही की ही शादी होगी अरमान से? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।